के प्रतिरोध मार्च का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया समर्थन। हम क्यों करें तेजस्वी यादव का विरोध? महागठबंधन के साथ है जनता दल यूनाइटेड। तो तेजस्वी यादव के प्रतिरोध मार्च का समर्थन जेडीयू ने किया है। कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि देश में महंगाई है, यदि उन्हें लगता है कि देश में रोजगार नहीं है, राज्य में रोजगार की कमी है, तो उन्हें क्या गलत लगता है? तेजस्वी यादव के प्रतिरोध मार्च पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू यानी कि जेडीयू ने राजद का महागठबंधन का समर्थन कर दिया है। किस बात के संकेत है ये? ललन सिंह जो कि अक्सर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते नजर आते थे, वो इन दिनों तेजस्वी यादव पर कोई प्रहार नहीं करते हैं। राजद भी अब कोई प्रहार महागठबंधन पर, यानी कि अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन अब कोई प्रहार तेजस्वी यादव, राजद अब कोई प्रहार जेडीयू पर नहीं करता है। तो अब जेडीयू आरजेडी के प्रति विरोध नहीं कर रही है, आरजेडी जेडीयू के नेताओं पर विरोध नहीं जता रही है, उनके खिलाफ हमला नहीं बोल रही है। क्या बिहार की राजनीतिक गलियारे में होने वाला है कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अनजान है भारतीय जनता पार्टी? तेजस्वी यादव के खिलाफ एनडीए का एक घटक दल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरा घटक दल तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहा है। आखिर ये केस कैसी एकजुटता है, आखिर ये कैसा गठबंधन है जिसमें एकजुटता दिखाई ही नहीं दे रही है? चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। ऋतिक सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी लाइव चैट पर। ऋतिक, ललन सिंह ने एक बात बोली है जिससे ये साफ साबित हो जाता है कि तेजस्वी यादव के प्रतिरोध मार्च से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है यदि वो विरोध कर रहे हैं, यदि वो मार्च निकाल रहे हैं इसमें। बिल्कुल शर्मिला, देखिए आज जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आज महागठबंधन की ओर से एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया था जिसमें कई मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कई मुद्दे थे और इन मुद्दों को लेकर ये सड़क पर उतरे थे, तो ऐसे में जब महंगाई की बात आई तो ललन सिंह से जब पूछा गया प्रतिरोध मार्च को लेकर, तो उन्होंने सीधा कहा कि अगर महंगाई बढ़ी है, सबसे पहला लाइन उनका यही था, महंगाई बढ़ी है, और अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि महंगाई बढ़ी है और ये जनता का मुद्दा है, तो जनता का मुद्दा उन्होंने उठाया है तो इसमें विरोध करने की क्या बात है, ऐसा कहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान उन्होंने दिया है, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के तरफ जो उनके मुद्दे हैं, क्योंकि यही तो मुद्दे होते हैं महागठबंधन के, जो भी जनहित के मुद्दे, जो जन सरोकार के मुद्दों को लेकर लगातार महागठबंधन उतर रही है सड़कों पर, जो खुद तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम लोग जो मेन मुद्दे हैं, जिस मुद्दों से सत्ता पक्ष भटकती है, जिस मुद्दों से बिहार की जनता को भटकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, उन मुद्दों को महागठबंधन उठाती है, उन मुद्दों को राजद उठाती है, तो यही मुद्दे लेकर हम लोग उतरे। और यही मुद्दे पे लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है शर्मिला कि अगर उन्हें लगता है कि महंगाई बढ़ी है तो बढ़ी है, और इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है।